मौजूद तो नहीं, मेरे आपका सिर्फ एक एज पाकिस्तानी मैं उनको मिलने आया था, बिकॉज तीन बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब मैंने हर हवाले से उनसे जो बात की है वो सकाफत के हवाले से बात की है कि हमारी सकाफत में जो मैं करता आ रहा हूँ या मैं 40 साल से जो सूरत हाल में कुछ हमारी बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हुई हैं, मेरे हिसाब से बताया करेगा इन शाला। अच्छा, एक ही क्वेश्चन किया जाता है जो भी मियां साहब को मिल के आता है कि मियां साहब पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं तो उसको लीड करने के लिए आप कब पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो ऐसी भी की बात हुई? नहीं, वो तो जनरली हो रही है ना, वो तो नेचुरली वो यही लोग उनसे सवाल भी कर रहे हैं और मीडिया आप लोग भी उनसे यही पूछ रहे हैं, तो अदरवाइज ये है कि उनके साथ भी बातचीत मेरी जो हुई है वो पर्सनली नेशनल कल्चर और वैल्यूज के हवाले से, यानी हमारी जो नेशनल उसकी जो हमारे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के साथ करता आ रहा हूँ, अलमरा को करता आ रहा हूँ, मीडिया में मुझे 40 साल हो गए, तो मेरा जो असल इंटरेस्ट है, मेरा जो असल फोकस है, मेरा जो असल महाज है वो सकाफत का महाज है, वहां जहां जहां चीजें लैक कर रही हैं उनकी मैंने निशानदेही करने की कोशिश किया। मियां साहब ने उसको एग्री भी किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम अगर वैल्यूज की बात करते हैं ना, तो मियां साहब खुद बड़े वैल्यूज को कैरी करने वाले हैं, और जो मुल्क को इस वक्त जरूरत है, हमारी सोसाइटी को बहुत जरूरत है कि हम अपनी पीटीवी की जो एक चली आ रही थी पूरी एक उसकी इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स द सोसाइटी, वो रुक गया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रुक गई है, जो वैल्यूज की जो हमारी नई जनरेशन की जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन थी वो रुक गई है, आई थिंक उसको काम कर। अच्छा, सेहत कैसी थी मियां साहब की, आपने गुफ्तगू से की मुलाकात की? मियां साहब की तो सेहत ठीक है माशाल्लाह, बाकी उनका ट्रीटमेंट तो जाहिर है चल रहा है, तो अदरवाइज मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है आज मियां साहब से मिलकर, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इतने अरसे के बाद उनको, थैंक यू सर।